हेलो एंड वेलकम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो यहाँ पर मैं आज स्प्रे पेंटिंग दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक आन स्टीच एक टॉप के ऊपर कर रही हूँ। आप कोई भी रेडी ड्रेस के ऊपर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके नीचे आप कोई भी थिक कार्डबोर्ड रख सकते हैं या फिर आप इस तरीके की फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरीके की जो पेपर टाइप की आती है, जो कार्डबोर्ड भी ना हो और आर्ट पेपर से भी आप कर सकते हैं, थोड़ी सी थिक पेपर चाहिए। तो हमें इस तरीके से पहले डायमंड शेप, हार्ट शेप या फिर आपके मनपसंद के कोई भी शेप आप बना सकते हैं। छोटी बड़ी भी अपने हिसाब से कर लीजिए। पेंसिल से पहले आउटलाइन कर लीजिए या इसके बाद उसको कट कर लीजिए। ये मेरे पास एक छोटी सी एक कार्डबोर्ड की ये बैग था, तो मैं इसको कट कर रही हूँ। न्यूज़पेपर से नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला होती है। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए स्टार में छोटी भी बनाऊँगी। तो मैंने कितने सारे मैंने यहाँ कट कर लिया है, डायमंड शेप भी मैंने कर लिया है। आप एक दो छोटी बड़ी इस टाइप की बना सकते हैं। तो अब क्या करना है, आप ड्रेस के ऊपर आप इस तरीके से इसको रख दीजिए जहाँ जहाँ पर आपको रखना है। देखिए बहुत आसान है। तो इस तरीके से जो छन्नी आती है तो आप इसका यूज़ करें। और कोई भी पुरानी टाइप के एकदम ब्रश, मैंने ब्रश को भी अच्छे से वॉश कर लिया है और उसमें थोड़ी सी एक्रेलिक कलर, मैं यहाँ वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, तो वो कलर आप देखिए इस तरीके से आपको स्प्रेड करना है। कलर अपने मनपसंद के कलर यूज़ करें। तो उसमें ज़्यादा नहीं हो रहा था तो मैंने ये स्टील वाली जो छन्नी है इसके ऊपर मैं इस तरीके से ब्रश को प्रेस करके स्प्रे करने की कोशिश कर रही हूँ। बट मैंने यहाँ गलती कर लिया है कि स्काई ब्लू के ऊपर वाइट कलर उतना अच्छे से कलर नहीं हो रहा है। आप एक काम करना, आप कोई भी लाइट कलर के ऊपर, जैसे वाइट कलर के ऊपर, येलो कलर के ऊपर आप करेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये देखिए मैंने यहाँ गलती से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कलर यहाँ पर आ गई है। बट कोई बात नहीं, इसको हम मैनेज कर सकते हैं बाद में। ये इस तरीके से नहीं रखेंगे, यहाँ पर भी गलती हो गई है, छोटी छोटी ये हो सकता है। तो ये देखिए उठाने के बाद इस तरीके से हो रहा है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छे से एकदम हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखिए ये साइड पे भी वाइट कलर अच्छे से स्प्रेड हुआ है, बट बहुत ज़्यादा अच्छे से, जैसे मैं चाहती थी ऐसा नहीं हुआ है। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक है इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, देखिए कोई भी ब्रश लीजिए, 2 नंबर या 4 नंबर की फ्लैट ब्रश, और उसको अब जिस कलर से आप स्प्रेड कर रहे थे ना, जैसे मैं यहाँ वाइट कलर से कर रही थी तो यहाँ पर वाइट कलर से मैं यहाँ हार्ट शेप बना रही हूँ। जैसे जो जो शेप अब इसके ऊपर आप यूज़ करने वाले हैं, जैसे हार्ट शेप मैंने यूज़ किया है, फिर डायमंड शेप, तो उस हिसाब से ही आपको बनानी है, कोई अलग मत करना, नहीं तो वो अलग टाइप की हो जाएगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो उसको मैनेज करने के लिए वो जो 2-3 गलतियाँ, तो इसके लिए मैंने सारे ड्रेस के ऊपर ये छोटी छोटी हार्ट शेप बना रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर उतना प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी मैंने सोचा नहीं बनाऊँगी तो ड्रेस अच्छा नहीं लगेगा, इधर उधर 2 हार्ट शेप, इसलिए। और इसको आप वॉश भी कर सकते हैं ड्रेस को, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हाथ से वॉश करें, कलर इस तरीके से रहेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ कर लिया है। मैं यहाँ सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि हो रहा है, ठीक है। जिनको बिल्कुल पेंटिंग नहीं आती है, जिनको हल्का सा इस टाइप की डिज़ाइन पसंद है वो कर सकते हैं। और अब चलते हैं दूसरे टाइप की ओर, जिसको मैं स्प्रे पेंटिंग से करूँगी, जो ये बोतल मार्केट में ये मैंने ऑनलाइन मेरे हस्बैंड ली थी, एक्चुअली उनके कार के लिए था। तो सेम तरीके से मैंने ड्रेस की बैक साइड पे मैंने कर लिया है। यहाँ क्या होती है स्प्रे के, अब जब स्प्रे करेंगे तो बहुत ज़्यादा हवा निकल के ये इधर उधर हो सकती है, आपके सारे ये जो शेप्स आपने रखा है। और मैंने कोई ग्लू से भी इसको नहीं चिपकाई है। तो ये स्प्रे भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्प्रे डालेंगे ना इसके ऊपर तो इतना ज़्यादा कड़क हो जाएगी कि आप इसको बाद में पहन नहीं सकेंगे, इतना ज़्यादा हो जाएगी। मैंने ट्राई करके देखा है इसलिए मैं बोल रही हूँ।
और ये स्प्रे बोतल से भी ये उतना अच्छे से नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। और ये एक्चुअली ये कार के लिए था शायद, नॉर्मल जो एक्रेलिक कलर है जो कलर के लिए, वो इस तरीके से इतना लाइट नहीं होगा शायद, मुझे पता नहीं, बट इससे तो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हुआ है। मैंने एक्चुअली कलर ही गलती से चूज़ कर लिया है स्काई ब्लू के ऊपर, ये वाइट ये मुझे नहीं करना था। आप ऐसा गलती मत करें, अब आप ब्लैक के ऊपर वाइट कर सकते हैं वो भी अच्छा लगेगा, येलो के ऊपर पिंक या रेड कर सकते हैं वो भी अच्छा लगेगा, वाइट के ऊपर ब्लैक रेड ब्लू भी अच्छा लगेगा। वाइट के ऊपर ऑलमोस्ट सारे डार्क कलर अच्छे लगेंगे, आप वो ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए इस तरीके से हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और बांगाली होले अवश्य बांग्लाय कमेंट करो कि जानते चाहो बोलते पारो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।